अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई वेरिकोसिल में हम जो है ऑयल के अंदर खाना बना सकते हैं कि नहीं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स और ये दाल वगैरह जो है वो हम ऑयल के अंदर पका सकते हैं कि नहीं, तो इसमें घी हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो अगर यूज़ करना चाहिए तो क्यों यूज़ करना चाहिए और यूज़ नहीं करना चाहिए तो क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इनका कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू दूंगा, आंसर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं भी ऑयल के अंदर खाना बना के जो है वो पकाता था, ऑयल के अंदर ही खाना बनाता था, पर मैंने कभी घी घी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बनाई। हल्का सा भी, लाइट सा भी, जो देसी घी है वो भी कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, घी एक्चुअल में ऐसी चीज़ होती है कि वो आपकी आंतों के साथ, आपकी बॉडी के साथ चिपक जाता है। ऑयल भी चिपकता है, ऐसा नहीं है, पर घी जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, आप ऑयल देखोगे वो नॉर्मल रहेगा, सर्दियों में भी गर्मियों में भी नॉर्मल रहेगा, तो घी जो होता है वो चिपक जाता है। तो ठीक है, आप घी से कोशिश कर दो, चर्बी से आप बच के रहो। चर्बी वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें जो है वो आपने नहीं खानी। ऑयल आपने यूज़ करना है, और कौन सा ऑयल यूज़ करना है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करता था मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो डालडा ऑयल जो है वो ही, मतलब मैं उसके अंदर ही खाने वगैरह बनाता था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो ऑयल क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑयल यूज़ इस वजह से नहीं करना चाहिए कि अगर आप प्लेट के अंदर ऑयल डालो और फिर उसके आप शावर मतलब पानी के नीचे वो प्लेट रखो और देखोगे क्या उस प्लेट से आपका जो ऑयल है वो हट जाता है कि नहीं, कभी भी नहीं हटेगा। अगर उसके ऊपर आप गर्म पानी खोलते हो तो वो ऑयल साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो गर्म पानी इस वजह से ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑयल के अंदर आप खाना बना सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप सब्ज़ी बनाते हो ऑयल के अंदर, सब्ज़ी बेसिकली उसके अंदर आप शोरबा नहीं करते, पानी इतना नहीं ऐड करते कि सब्ज़ी उसमें तैर रही होती है। ठीक है, सब्ज़ी आप ड्राई सब्ज़ी बनाते हो और ऑयल नीचे रह जाता है, ऊपर ऊपर से आप सब्ज़ी डाल लो, ऑयल को रहने दो। ठीक है, उसके अंदर आप दही मिक्स करके कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई शोरबे वाला सालन आप बनाते हो तो उसमें यह होगा कि आप तेज़ तेज़ स्पीड से चम्मच चलाओ तो ऑयल जो होता है साइड पे हो जाता है, नीचे से आप सालन जल्दी जल्दी अपने लिए डाल लो और फिर साथ में दही ऐड करके तो आप खा सकते हो। तो जब भी आप ऑयल के अंदर खाना बनाते हो, कोशिश करो कि दही को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई का। देखो मैं एक और बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पराठा खाते आ रहे हैं, हम बर्गर और मतलब इस तरह कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि होटलों के अंदर हमने खाने खाए हैं, तो कितना घी हमारे अंदर मतलब आंतों के साथ हमारी वेंस के अंदर ब्लड जो है वो हमारा कितना गंदा हो चुका है। तो अभी ऑयल को थोड़ा बहुत अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं हो पाता तो कुक जो खाना है वो आप ऑयल के अंदर बना लो, मगर आपकी प्लेट के अंदर ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब भी आप खाना खाते हो ऑयल के अंदर बेशक वो बनाओ, मगर प्लेट में आपके ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए। और जितना जो है खाना होगा उसी के बराबर जो है आपने दही ऐड करके वो खा लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है मैंने उसका आंसर दे दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।